डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर आना होगा? डॉक्यूमेंट आप आधार कार्ड लेके आ जाइए, पैन कार्ड लेके आइए, बैंक पासबुक लेके आइए। और अभी तो और सुविधा हो गया, बैंक पासबुक के साथ चेकबुक तो अब लग नहीं रहा है, सिर्फ आप ATM लेके आ जाइए, ई माइंडेड हो जाएगा बिना आपका चेकबुक का, बिना चेक का दो फोटो लगेगा मात्र बस जी। तो मिनिमम एज क्या रहना चाहिए? मिनिमम एज 21 साल। 21 साल सभी का आज आपको हम प्राइस डिटेल्स बताने वाले हैं, मिनिमम डाउन पेमेंट भी बताने वाले हैं और कितना आपका EMI लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आना चाहिए अगर आप बाइक या स्कूटर फाइनेंस करने का सोच रहे हैं, तो वो सभी डिटेल्स आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। तो हम आज जो वीडियो शूट कर रहे हैं ये सौर्य होंडा गिरिडीह में शूट कर रहे हैं। अगर आप गिरिडीह एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप शोरूम पर आकर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम भैया को बुलाना चाहेंगे जो कि यहाँ के सेल्स एग्जीक्यूटिव पे भी आ जाइए। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आशिफ हुआ। मोहम्मद आसिफ। तो ये जो है ये सौर्य होंडा में आपको मिल जाएंगे, अगर आपको कोई भी क्वेरी रहता है तो आप इनसे आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लीवो 110 के बारे में। 110 CC सेगमेंट में ये एक अच्छा ऑफरिंग है होंडा के तरफ से, काफ़ी शार्पर लुक के साथ आता है और ये किसी भी एंगल से आपको 110 CC सेगमेंट का फील नहीं प्रोवाइड करता है, 125 CC का ये लुक्स में आपको मिलता है। तो आप चाहें तो इस बाइक को भी चेक कर सकते हैं, 110 CC में काफ़ी अच्छी ऑफरिंग है होंडा की तरफ से। तो इसका प्राइसिंग बता दीजिए सबसे पहले। ऑन रोड आपका 86,206 रुपीज़ ओनली आएगा ड्रम मॉडल का। ड्रम मॉडल। और अगर हम बात कर लेते हैं कि मिनिमम कितना डाउन पेमेंट में छोड़ दिया? डाउन पेमेंट आपका 19,854 ओनली। 19,854 मतलब वही 20,000 रुपीज़ के लगभग में डाउन पेमेंट आ जाएगा इसका। और अगर हम बात करते हैं मंथली EMI का तो कितना आएगा? 24 मंथ के लिए आपका आ जाएगा 3,436 रुपीज़ ओनली 24 मंथ का, और 36 का आपका 2,719 रुपीज़ ओनली, मतलब 2,700 के लगभग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीवो का बात। अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 125 CC सेगमेंट के तरफ, तो 125 CC सेगमेंट में हमारे पास आता है साइन, जो कि साइन 125 CC सेगमेंट की बाइक है। तो इसे अभी हम दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा साइन खड़ा है। तो इसका प्राइसिंग बता दीजिए। ऑन रोड आपका 88,160 ओनली। 88,160 रुपीज़। ठीक है, और जो डाउन पेमेंट आ जाएगा इसका वो है आपका 19,828, मतलब वही 20 के लगभग, 20,000 के लगभग इसका भी डाउन पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, जो किस्ती आएगा वो आपका जो 24 मंथ के लिए 24 मंथ के लिए 35,034 रुपीज़ ओनली आएगा 24 मंथ के लिए, और 36 मंथ के लिए आएगा 2,796 रुपये, मतलब 3,500 के लगभग आ जाएगा आपका 24 मंथ के लिए, और 36 मंथ के लिए कितना बोले? 2,796 रुपये के लगभग आएगा आपका 24 मंथ्स का, 36 मंथ्स का। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा साइन 125 का बात। अब हम बात कर लेते हैं SP 125 के बारे में, जिसमें कि बिल्कुल ही न्यू कलर वेरिएंट है, कभी आया हुआ है, जिसका कि कंपनी ने नाम रखा है एथलेटिक ब्लू कलर, जो कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसमें अब टोटल में 5 कलर ऑप्शंस हो गया है, एक नियॉन ग्रीन हो गया, दूसरा रेड हो गया, तीसरा आपका जो नॉर्मल ब्लू कलर जो आता था, और एक मैट ग्रे कलर जो आता था, और एक ये हो गया न्यू कलर वेरिएंट। 5 कलर ऑप्शंस अब आपको इसमें मिल रहा है 2021 में अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो। तो चलिए इसका प्राइसिंग का हम बात कर लेते हैं। इसमें दो वेरिएंट्स आता है, ड्रम वेरिएंट और डिस्क वेरिएंट। तो हम ड्रम वेरिएंट का आपको प्राइसिंग बता देते हैं। ड्रम वेरिएंट का प्राइस बता दीजिए जी। ऑन रोड आपका आ जाएगा 92,649 रुपीज़ ओनली, मतलब ये भी लगभग 20,000 के लगभग में डाउन पेमेंट हमारा आएगा। तो मात्र 20,000 रुपये में फ्रेंड्स इसका जो डाउन पेमेंट है वो आने वाला है आपका। अगर हम बात कर लेते हैं EMI का तो कितना बनेगा? आपका 3,706 रुपीज़ ओनली 24 मंथ्स के लिए, 36 मंथ के लिए 2,930 ओनली, 2,900 रुपीज़ के लगभग में हमारा बनेगा, मतलब ये 36 मंथ्स के लिए। तो देखा जाए तो EMI काफ़ी कम बन रहा है। आप 36 मंथ्स या 24 मंथ्स वाले स्कीम के साथ जा सकते हैं। अगर आप 24 मंथ्स वाले स्कीम के साथ जाएंगे तो थोड़ा सा आपका जो इंटरेस्ट है वो बच जाएगा। अगर आप उतना का मतलब आप देख सकते हैं EMI अगर आप लगभग में 3,500 रुपये के आसपास में अगर मंथली पे कर सकते हैं तो उसके साथ जा सकते हैं, वरना फिर 2,500 रुपये के लगभग में अगर आपको पे करना है तो फिर आप 36 मंथ्स वाले के साथ भी जा सकते हैं। तो दो ऑप्शंस यहाँ पर है, और इससे कम का भी फाइनेंस स्कीम आता है वो आप शोरूम पर आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में सब बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और ज़्यादा लंबा वीडियो फिर जानते ही है फ्रेंड्स कोई देखना नहीं चाहता, इसीलिए हम शॉर्ट में ही अभी सभी का आपको डिटेल्स बता दे रहे। तो चलिए नेक्स्ट बाइक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहीं खड़ा है होंडा यूनिकॉर्न 160। तो इसमें अभी 3 कलर ऑप्शंस आपको मिलता है, एक हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे मैट ग्रे कलर, दूसरा आता है इसमें एक ब्लैक कलर जो कि ग्लॉसी में आता है, तीसरा आता है रेड कलर। तो रेड कलर वेरिएंट मतलब ऐसे ज़्यादातर अवेलेबल नहीं रहता है, बट ग्रे और जो ब्लैक है वो आपको कभी भी मिल जाएगा। तो ये दो कलर ऑप्शंस के साथ आप जा सकते हैं, और इसमें सिंगल चैनल ABS आपको मिल जाता है, पीछे में इसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं आता है, इसमें फ्रंट में आपको ABS मिलेगा और डिस्क ब्रेक मिलेगा। तो बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में, प्राइसिंग बता दीजिए इसका।
जी इसका प्राइसिंग हो जाएगा 1,18,175 ओनली 1,18,000 रुपीज़ के लगभग में ऑन रोड हो गया, ठीक है। और इसका डाउन पेमेंट कितना आ जाएगा? डाउन पेमेंट आपका आ जाएगा 26,588 रुपीज़। 26,000 के लगभग में मान लेते हैं इसका डाउन पेमेंट आ जाएगा। 24 मंथ का जो EMI आएगा वो 5,032 रुपीज़ ओनली आएगा। 5,000 के लगभग में 24 मंथ का आएगा और 36 मंथ का? 36 मंथ का आ जाएगा 3,738 रुपीज़। तो ये देखा जाए यूनिकॉर्न का था हमारा जो कि डाउन पेमेंट स्कीम है। इसका डिटेल वाला वीडियो अगर आपको देखना है तो मैंने कल परसों में ही पोस्ट किया है, आप उसे चेक कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने इसका डिटेल रिव्यू किया है। काफ़ी रिफाइंड इंजन है, होंडा का इंजन आप जानते हैं काफ़ी रिफाइंड रहता है और ये काफ़ी मतलब अच्छा प्रोडक्ट है। फ्रेंड में 1,18,000 रुपये के लगभग में ऑन रोड मिल रहा है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम दूसरे प्रोडक्ट के तरफ जो कि रहने वाला है होंडा की तरफ से एक्स ब्लेड। तो एक्स ब्लेड में अभी यहाँ पर टोटल में 5 कलर ऑप्शन आता है ना शायद, 5 कलर ऑप्शन आता है, जिसमें से एक न्यू कलर वेरिएंट अभी कंपनी ने लॉन्च किया है, वो ये नहीं है। नया वाला जो कलर वेरिएंट है ऑरेंज कलर वेरिएंट, जिसका कि वीडियो मैंने 10-15 दिन पहले पोस्ट किया है, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। वो न्यू कलर आया है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। ये ग्लॉसी ब्लैक कलर है यहाँ पे। तो चलिए इसका आपको हम प्राइसिंग डिटेल्स बता देते हैं। तो इसका प्राइसिंग डिटेल बता दीजिए। ऑन रोड आएगा 1,34,705 रुपीज़ ओनली। 1,34,700 ऑन रोड। ऑन रोड तो ये जितना भी हम ऑन रोड आपको प्राइजेस बता रहे हैं, हम गिरिडीह झारखंड का आपको प्राइजेस बता रहे हैं। गिरिडीह एरिया से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और दूसरे स्टेट में जो है वो प्राइस में थोड़ा सा 2,000-4,000 रुपये का डिफरेंस मिल सकता है, क्योंकि वहाँ का RTO और इंश्योरेंस चार्जेस सब जगह का अलग अलग होता है। तो ये सब इंश्योरेंस वगैरह सब इंक्लूड करके ऑन रोड प्राइस है ना, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना। रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस, इसमें एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं देना है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसका मिनिमम डाउन पेमेंट कितना। डाउन पेमेंट आपका आ जाएगा 28,582 रुपीज़। 28,000 के लगभग में। तो 28,000 के लगभग में एक्सब्लेड का जो है वो डाउन पेमेंट आ रहा है। और अगर हम बात कर लेते हैं इसमें वेरिएंट्स कितना आता है? इसका वेरिएंट आपका 2 आएगा, एक सिंगल डिस्क ब्रेक आएगा, एक डबल डिस्क ब्रेक। डबल डिस्क ब्रेक, तो ये आप सिंगल डिस्क ब्रेक का वेरिएंट का बता रहे हैं। ये जो हम बता रहे हैं वो सिंगल डिस्क ब्रेक का। तो ये सिंगल डिस्क वाला का वेरिएंट का है। EMI बता दीजिए इसका 24 महीने का। 24 मंथ का आपका आ जाएगा 5,414 रुपीज़। मतलब लगभग में 5,400 रुपीज़ के लगभग में आपका 24 मंथ्स का EMI बनेगा। और अगर 36 मंथ्स का करते हैं तो 3,924 रुपीज़। तो 3,900 के लगभग में 3,900 रुपये के लगभग में आपका बनेगा 36 मंथ्स का EMI, अगर आप 36 मंथ्स के लिए करवाते हैं फाइनेंस। तो ये हो गया हॉर्नेट का, सॉरी एक्सब्लेड का बात। अब चलते हैं हॉर्नेट के तरफ। हॉर्नेट यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में प्रेजेंट है, इसमें भी काफ़ी सारा कलर वेरिएंट जो है वो आ जाता है। सभी कलर वेरिएंट मिल जाएगा ना, तो सभी कलर वेरिएंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसमें 180cc का आपको इंजन मिलता है जो कि काफ़ी रिफाइंड है, और ये एयर कूल्ड इंजन है। तो चलिए इसका हम बात कर लेते हैं। इसमें भी सिंगल चैनल ABS आपको मिलता है। तो इसका प्राइसिंग वगैरह आप सब बता दीजिए थोड़ा। जी ऑन रोड इसका आ जाएगा 1,57,225 रुपीज़ ओनली। ये ऑन रोड हो गया, ऑन रोड प्राइस हो गया। इसमें तो एक ही मॉडल आता है ना? हाँ, इसमें एक ही मॉडल, इसमें एक ही मॉडल आता है, इसमें दो मॉडल का कोई लफड़ा नहीं है, सिंगल मॉडल आता है। तो इसका डाउन पेमेंट कितना पड़ेगा? डाउन पेमेंट आपका 33,500 मात्र 33,500 रुपीज़ का जो डाउन पेमेंट है वो आप करके हॉर्नेट को घर ले जा सकते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं EMI की, तो EMI बता दीजिए। EMI 24 मंथ के लिए 6,291 ओनली। 6,200 रुपीज़ के लगभग में आपका EMI बनेगा 24 मंथ के लिए। और 36 मंथ के लिए 4,500 रुपीज़ के लगभग में आपका बनेगा 36 मंथ के लिए। तो ये हो गया इसका EMI का बात। और अगर कोई ज़्यादा कराना चाहेगा, जैसे अगर 36 मंथ से ज़्यादा का, तो कोई ऑप्शन है क्या? 36 मंथ से ज़्यादा नहीं, अभी ऑप्शन नहीं है ना। और कुछ ऑफर वगैरह जैसे कुछ अभी चल रहा है बाइक्स में? अभी तो सर हमारे पास आने के बाद एक हेलमेट फ्री दिया जा रहा है सभी बाइक में। नहीं, वो 125 ग्राजिया और 125 एक्टिवा में। अच्छा। और फिर आपका हॉर्नेट और एक्सब्लेड में, हॉर्नेट और एक्सब्लेड में आपको हेलमेट मिल जाएगा फ्री में, और फुल फेस हेलमेट रहेगा ना? जी जी, फुल फेस हेलमेट आपको मिल जाएगा। और बाकी आप शोरूम में आकर कांटेक्ट कर सकते हैं, उतना माइनर डिटेल्स देना पॉसिबल नहीं है। बाकी मैं इनका नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इधर के एरिया से बिलोंग करते हैं डायरेक्ट कॉल करके आप बात कर लीजिएगा, जो भी डील्स होगा ये आपको बता देंगे। और अभी आने वाले टाइम में ऑफर आने वाला है, दिवाली वगैरह का जो ऑफर है उसके लिए भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रहा बात तो आप इनके टच में भी रह सकते हैं। और अगर दिवाली में कुछ वैसा स्पेशल ऑफर आता है तो उसका एक वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें कि मैं पूरा डिटेल्स मैं बता दूंगा। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा उसमें दिवाली में आपका। तो ये था फ्रेंड्स पूरा ही डिटेल्स, जितना भी बाइक्स आता है।